नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 9 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड होना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी जानकारी को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। एयरपोर्ट और मेट्रो में दिखेगी बिहार के पर्यटन स्थलों की झलक। सुशांत सिंह राजपूत केस में RTI से मांगी गई जानकारी। दक्षिण बिहार के 8 जिलों के मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जसप्रीत बुमराह ने सबके सामने उड़ाया ईशान किशन का मजाक। 18 साल से अधिक उम्र वालों को इस दिन से लगेगा बूस्टर डोज। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट और मेट्रो में दिखेगा बिहार के पर्यटन स्थलों की झलक। अब आपको पटना एयरपोर्ट सहित राज्य के दूसरे हवाई अड्डों पर अपने बिहार के पर्यटन स्थलों की झलक देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही मेट्रो में भी यह शानदार नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के पर्यटन विभाग ने एयरपोर्ट्स और मेट्रो में यहां मौजूद सभी पर्यटन स्थलों की होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के दौरान बिहार पर्यटन पर काफी बुरा असर पड़ा है। कोरोना आने से पहले यहां पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा हो रहा था, तो वहीं अब पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। लेकिन अब कोरोना के घटे हुए मामले को देखते हुए फिर से पर्यटकों को बिहार लाने की पहल शुरू की गई। इसलिए पर्यटन विभाग ने देश के सभी एयरपोर्ट, मेट्रो और सार्वजनिक स्थलों पर बिहार के पर्यटन स्थलों की जानकारी साझा करने का निर्णय लिया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरविंद श्रीवास्तव की। अरविंद श्रीवास्तव मधेपुरा बिहार से हिंदी के कवि और लेखक हैं। वो संपादन, रेखांकन और अभिनय प्रसारण जैसे कई विधाओं से जुड़े हुए हैं। मुद्रित पत्रिकाओं के साथ साथ वो वेब पत्रिकाओं में भी सक्रिय रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद उन्होंने मधेपुरा जिला का ऐतिहासिक सर्वेक्षण विषय पर शोध कार्य भी किया है। हिंदी, उर्दू और मैथिली तीनों भाषाओं में सक्रिय वो स्तंभ लेखन, संपादन और संयोजन और क्षेत्रीय फिल्मों में अभिनय से भी जुड़े हुए हैं। 11 अप्रैल को सड़कों पर उतरेंगे TET शिक्षक संघ। TET शिक्षक संघ समन्वय समिति आगामी 11 अप्रैल को सड़कों पर उतरने वाले हैं। इसको लेकर हाल ही में TET शिक्षक संघ संघर्ष समन्वय समिति के साथ सभी घटक संघों की आपसी बैठक हुई थी। बैठक में ही कई बिंदुओं पर एक साथ आंदोलन करने पर सहमति बनी है। इसको लेकर बीते दिन ही राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने और जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। अब आज यानी कि 9 अप्रैल को शिक्षा मंत्री से प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष को आंदोलन में आने के निमंत्रण भी दिया जाएगा और 11 अप्रैल को सभी TET शिक्षक अपने स्थानीय स्तर पर अपने जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। 13 अप्रैल को ही पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन महाधरना का आयोजन किया जाएगा। रामनवमी पर श्रद्धालुओं की मदद करेगा रेलवे। बिहार रेलवे रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं को खास सुविधा मुहैया करवाने जा रहा है। इसको लेकर रविवार को ही खास तैयारी की जा रही है, जिसके तहत ही अब रामनवमी के मौके पर पटना में श्रद्धालुओं की मदद के लिए रेलवे ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। रामनवमी को लेकर पटना जंक्शन रेलवे प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शेड लगाए जाने का फैसला लिया गया। पटना जंक्शन पर श्रद्धालुओं के लिए हनुमान मंदिर से सटे पूर्वी हिस्से का चयन किया गया है। यहीं पर अस्थायी शेड लगाया जाएगा। यहां पर श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी या शरबत की व्यवस्था भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था पटना जंक्शन रेल प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसके लिए वहां के पार्किंग में पहले से लगी गाड़ियों को हटाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जंक्शन प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने निकाली रिक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2022 के तहत सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी, सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के कुल मिलाकर 687 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 26 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में चापाकलों की मरम्मत के लिए टीम का हुआ गठन। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही अब चापाकलों में मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
इसको लेकर ही बिहार भर में कुल मिलाकर 500 टीम की तैनाती भी कर दी गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भीषण गर्मी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने चापाकलों की निरंतर मॉनिटरिंग और मरम्मत के लिए 500 टीम क्षेत्रों में तैनात की है। पिछले एक महीने में 16,000 चापाकलों की मरम्मत भी की गई। यह अभियान अभी निरंतर चलेगा। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर विभाग संकल्पित है। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने हाल ही में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आरटीआई से मांगी गई जानकारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए 2 साल होने वाले हैं। हालांकि अब तक इस मामले में कोई खास सफलता तो नहीं मिली। इस बीच अब इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत सीबीआई से जवाब मांगा गया, लेकिन जांच एजेंसी ने कोई भी सूचना देने से इनकार कर दिया है। एजेंसी का मानना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है, इसीलिए कोई भी खुलासा करने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के बाद सभी का दिल टूट गया था। बॉलीवुड सितारों से लेकर प्रशंसक तक सदमे में थे। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को एक आरटीआई प्राप्त हुआ है। बिहार में 5 डीएम सहित 50 आईएएस ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। बिहार के सभी आईएएस अधिकारियों और डीएम को संपत्ति का ब्यौरा देने की बात कही गई थी। इसके लिए 15 दिन की मोहलत भी दी गई थी। साथ ही संबंधित डीडीओ से पूछा गया है कि ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों का वेतन रोका गया है या नहीं। इसके बाद ही अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है, इसके तहत बिहार के 5 डीएम, 6 डीडीसी और 6 एसडीओ समेत कुल 50 आईएएस ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग को अब तक नहीं दिया है। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की है। विभाग के अवर सचिव कन्हैया प्रसाद साह ने इस पर आपत्ति जताई है। दक्षिण बिहार के 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के मौसम में अब गर्मी की मार देखने को मिल रही है। खासकर की दक्षिण बिहार का इलाका गर्मी की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। यही कारण भी है कि इस इलाके में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत ही पछुआ के वेग और सूरज के प्रचंड तेवर की वजह से राज्य के गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, बांका, जमुई और नालंदा में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से इन जिलों में 9 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले एक हफ्ते तक बारिश की स्थिति न बनने पर पारा 43 तक भी जाने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सचेत कर दिया है कि नमी या अन्य वातावरणीय प्रभावों से रिकॉर्ड किए गए तापमान से भी ज्यादा गर्मी शरीर को महसूस हो सकती है। ये हीट स्ट्रोक की वजह भी बन सकता है। चमकी बुखार को रोकने के लिए बिहार के 12 जिलों में होगा अनिवार्य दवाओं का वितरण। स्वास्थ्य विभाग एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से लड़ने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में काम कर रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर प्राथमिक उपचार पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है। इसको लेकर चिकित्सकों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अब अस्पतालों में भी बीमारी पर नजर रखी जा रही है। इसको लेकर ही एईएस के प्राथमिक उपचार हेतु आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं को अनिवार्य दवाएं बांटी जा रही है, जो एईएस प्रभावित 12 जिलों में जरूरत के हिसाब से वितरित करेगी, ताकि एईएस से सुरक्षात्मक निवारण हो सके। फिर से नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश। बीते दिन अपने जनसंपर्क यात्रा के तहत एक बार फिर से सीएम नीतीश नालंदा पहुंचे। नालंदा जिले में उनको कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लेना था। इस दौरान ही सीएम नीतीश अपने पुराने साथियों से मिलते भी देखे गए, जो शुरुआती दौर में उनके साथ जुड़े थे। आपको बता दें कि नालंदा सीट पर एक बार फिर से विधान परिषद चुनाव में जदयू ने जीत हासिल की। नालंदा में जदयू उम्मीदवार रीना यादव की जीत हुई है, जिसके बाद नीतीश कुमार का बीते दिन नालंदा दौरा देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अगले हफ्ते से मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी शुरू होने वाला है। बजट सत्र के दौरान जनता दरबार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। अब 11 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। छुट्टी पर जल्द फैसला ले सकते हैं जिला प्रशासन। बिहार में गर्मी की मार ने आम जनजीवन को परेशान कर दिया है। आलम कुछ यूं है कि दोपहर के समय में मौसम वैज्ञानिकों ने तो लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। हालांकि ये स्कूली बच्चों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनकी छुट्टी ही दोपहर के समय में होती है, जिसके बाद ही अब स्कूलों को बंद करने पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही ये संकेत दे चुका है कि इस बार गर्मी की छुट्टियां पहले कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी लगातार गर्मी के बढ़ते पारे पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि स्कूलों का परिचालन अभी नए सेशन में शुरू हुआ है और जिला प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि स्कूल अपने प्रबंधन को ठीक कर। जैसे ही सेशन रेगुलर हो जाएगा, वैसे ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान भी किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस पार्क को ये नाम अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी के सम्मान में दिया गया। ये मूल रूप से एक चिल्ड्रन पार्क है, जहां बच्चों के घूमने और खेलने के लिए बहुत सी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन हरे भरे पेड़, मखमली घास, झाड़ियां और शांत वातावरण के कारण ये व्यस्कों, बच्चों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ये पार्क मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्षेत्र में स्थित है।
महंगाई को लगा एक और तगड़ा झटका। बिहार की जनता को महंगाई की बोझ से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। हर दिन के साथ ही बिहार की आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। खाने पीने के सामान के साथ अब सफर भी महंगा होने लगा है। पटना में पेट्रोल डीजल और घरेलू व्यवसायिक गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस की कीमतों में भी बीते दिन से बढ़ोतरी हो गई। सीएनजी की कीमत बढ़ने से यात्रियों को ढोने वाली ऑटो, कैब, टैक्सी आदि के गैस लागत भी बढ़ गए हैं। इस वजह से ऑटो और टैक्सी वालों ने किराया बढ़ा दिया। ओला उबर जैसी कैब कंपनियों ने 15-20% किराया बढ़ा दिया है। बिहार में जमीन होगी मुक्त, खतियान में दर्ज नहीं होगा अवैध कब्जेदारों का नाम। बिना वैध कागजात के गैर मजरुआ, आम या सर्वसाधारण जमीन पर कब्जा जमाए लोग अब बेदखल होने वाले हैं। विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही इस काम को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही अब उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को जमीन का बड़ा रकबा मिल जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भूमि सर्वेक्षण में लगे कर्मी फिलहाल ऐसी जमीन और इसके अवैध स्वामी की सूची बना रहे हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम में इसका प्रावधान है। इसके मुताबिक गैर मजरुआ जमीन की ऐसी बंदोबस्ती रद्द होगी जो सक्षम प्राधिकार के आदेश में नहीं हुई है। बिहार में अब बहुरेंगे अधूरे पड़े इंदिरा आवास के दिन। बिहार में अब अधूरे पड़े इंदिरा आवास के दिन सवरने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही बिहार सरकार वैसे लाभुक जिनका घर पैसे के अभाव से अधूरा पड़ा है उसको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से पूरा करवा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आवास योजना ग्रामीण से पूर्व इंदिरा आवास योजना संचालित की जा रही है, लेकिन इस योजना के तहत लोगों को कम सहायता राशि मिलती थी, जिस कारण राशि मिलने के बाद भी कई लोग अपना घर नहीं बना पाते थे। इस कमी को दूर करने के लिए ही सरकार ने 2010 से पहले के अधूरे पड़े आवास की सूची जिला प्रशासन से मांगी है। इस योजना के तहत अधूरे पड़े आवास को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से 50,000 रूपए सहायता राशि देकर पूरा कराने की योजना है। 18 साल से अधिक उम्र वालों को इस दिन से लगेगा बूस्टर डोज। 18 साल से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज अब लगने वाला है। इसको लेकर बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का एहतियाती खुराक लगाने का फैसला किया। 10 अप्रैल से ये निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगा। वो सभी लोग जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं और 9 महीने पहले टीका की दूसरी डोज ले चुके हैं वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। ये सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों में उपलब्ध होगी और अब तक देश में सभी 15 साल से अधिक उम्र के किशोरों में लगभग 96% को कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक मिली है, जबकि 15 प्लस आबादी में से लगभग 83% ने दोनों खुराक प्राप्त कर ली है। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी एसी, कूलर और फ्रिज की बिक्री। गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी और कूलर की मांग बढ़ने लग गई है। अप्रैल महीने का पहला हफ्ता चल रहा है, लेकिन अभी से ही पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसका सीधा फायदा इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारियों को मिल रहा है। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ट्रेडर्स की माने तो इस बार मार्च महीने से अगस्त महीने तक यानी कि कुल 6 महीने में प्रदेश में एसी, कूलर, फ्रिज और पंखा जैसे उपकरणों का बाजार लगभग 27,000 करोड़ का रहने वाला है। पिछले कुछ समय से कोरोना के कारण बाजार वैसे ही चौपट हो गया, गर्मी भी कम पड़ रही है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक बाजार घाटे में चल गया है। इसीलिए इस बार बाजार भी खुला हुआ है और गर्मी भी चरम पर है, ऐसे में काफी ज्यादा बिक्री जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार भाजपा ने कर दिया साफ, 2025 तक नीतीश तय। बिहार भाजपा और जेडीयू के बीच में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि इन सबके बीच अब बिहार भाजपा ने साफ 2025 तक सीएम के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाने की बात कही है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह साफ कर दिया है कि 2025 तक सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये सारी बातें 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही तय कर ली गई थी। इसको लेकर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ही ये तय हो गया था कि एनडीए गठबंधन की तरफ से सीएम नीतीश कुमार रहेंगे और हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे। लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। चारा घोटाले के कई मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव डोरांडा कोषागार मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में वो जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी को लेकर बीते दिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान ही 22 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। इसके पहले भी बीते सप्ताह न्यायाधीश के उपलब्ध न होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। जगदानंद सिंह के बेटे जदयू में हो सकते हैं शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। बिहार राजद अध्यक्ष और पार्टी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के बेटे
अजीत सिंह जदयू में 12 अप्रैल को शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में वो पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। जगदानंद के बेटे को अपने पाले में करके जदयू ने राजद कैंप में बड़ी सेंधमारी कर मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी सफलता हासिल की है। इसको लेकर अजीत सिंह ने भी हाल ही में अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि मेरे जदयू में जाने से मेरे परिवार में कोई टूट नहीं होगी। मेरे पिता जगदानंद सिंह ने राजनीतिक फैसले लेने के लिए हमें छूट दी है। बाहुबली अनंत सिंह को जेल में सुविधाएं देने पर हुई बड़ी कार्रवाई। बिहार की हाई सिक्योरिटी वाली बेउर जेल में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पास मोबाइल समेत अन्य सामान मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई। इसको लेकर गृह विभाग ने जेल के 14 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इसको लेकर ही अब विभाग ने राज्य के 125 बंदियों को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस मामले में पहले ही 3 जेल वार्डर सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार और विकास चंद्र सिंह की लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल साम्राज्य का बादशाह औरंगजेब ने 1669 में सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। भारतीय और पाकिस्तान की सेना के बीच 1965 में कच्छ के रण में लड़ाई छिड़ी। पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में भारत के कई आपराधिक मामलों में वांछित माफिया सरगाना अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण संबंधी आदेश की पुनः समीक्षा करने को कहा। अन्ना हजारे को 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए 1 करोड़ रूपये के IIPM रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। भारतीय अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म 1948 में आज के दिन हुआ। प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का 1981 में निधन आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जसप्रीत बुमराह ने सबके सामने उड़ाया ईशान किशन का मजाक। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल के 15वें सीजन में अब तक अपनी पहली जीत दर्ज नहीं कर पाई है और इसकी तलाश में है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई की टीम ने सीजन में अभी तक 3 मैच खेले हैं और आज एक और मुकाबला है, लेकिन पिछले खेले गए 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच आईपीएल में टीम के अगले मैच के पहले खिलाड़ी एक फोटोशूट में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान ही बुमराह को ईशान किशन का मजाक उड़ाते हुए देखा गया। शुक्रवार को फ्रेंचाइजी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में ईशान को कैमरा पर्सन से बात करते हुए कहते हुए देखा गया कि नहीं नहीं मसल इसे बोलते हैं ये देखो, जिस पर बुमराह ने जवाब दिया इसको फैट बोलते हैं बेटा, हाथ में भी फैट होता है। अब व्हाट्सएप पर आपके फोटो वीडियो के साथ कोई भी नहीं कर पाएगा गड़बड़ी। व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर रोल आउट कर रहा है जो मीडिया को स्मार्टफोन की गैलरी या कैमरा रोल में ऑटोमेटिकली सेव होने से रोकेगा जब चैट में डिसअपियरिंग मैसेज इनेबल होगा। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस अभी भी उपयोगकर्ताओं को डिसअपियरिंग चैट में भेजे गए मीडिया को मैनुअल रूप से सहेजने की अनुमति देगी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी को अपने iOS ऐप के लेटेस्ट बीटा वर्जन पर नए इमेज एडिटिंग टूल्स पर काम करते हुए भी देखा गया है। व्हाट्सएप पर भेजने से पहले तस्वीरों को एनोटेट या फिर मार्क अप करने के लिए 2 नए पेंसिल टूल जोड़े गए हैं। व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर डब्ल्यू बीटा इन्फो ने बताया है कि मैसेजिंग सर्विस ने डिसअपियरिंग चैट पर मीडिया को सेव करने के तरीके में बदलाव करना शुरू कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनाली सिन्हा, पूजा कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, गौतम कुमार, विकास बिहारी, सलीम भाई, कुश कुमार, प्रिया यादव, उमाशंकर गुप्ता, हीरा कुमार, अर्जुन पासी, प्रेम सिंह, बजरंगी कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब तक खेले गए आईपीएल के मुकाबले में किस टीम की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।